डॉक्टर सुजा साहब, हमारे सरपरस्त अतर हुसैन अशरफी साहब, जाहिद नदवी साहब, अनीस मिस्त्री साहब, पार्टी के अहम जिम्मेदारान और महल्ले की सरकर्दा शख्सियात, मैं सबसे पहले आज जो सैकड़ों नौजवान बुजुर्ग पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को किसी को पार्टी में लाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है, अपने लोगों को भेजना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मगर मैं देख रहा हूँ कि मालेगांव शहर में एक मुसलसल लोग हमारे रास्ते में हैं जो पार्टी में साथ में काम करना चाहते हैं, और ये लोग भी आकर बोले कि हम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हम जिनके साथ काम काज कर रहे थे सालों से, आप समझ लो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एरिए में कायद और सालार का बोर्ड लगाया हुआ है, ये 2007 से ऐसे लोग थे। मगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वक्त बदलाव का है। आप देखेंगे आने वाले ये हफ्ते में शहर की कई सरकर्दा शख्सियात समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली है, ये एक तब्दीली की अलामत है। क्योंकि ये शहर देख रहा है 99 से दो लोग, अगर कोई 2007 से सियासत में आया तो मैं उसको 2007 से सियासत में आया हुआ कभी नहीं मानता। 1999 से एक्टिव पॉलिटिक्स में है। जब वक्त पड़ा निहाल साहब को हराने का, मिलजुल के सियासत की गई, और 25 साल से इस शहर में तू मुझे मुल्ला बोल, मैं तुझे हाजी बोलूं, ये रवायत पे इस शहर में सियासत की जा रही है कि हम दोनों ही इस शहर में रहे, कोई तीसरा ना आ पाए। मगर वो वक्त अब खत्म हो चुका, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये दोनों ने 25 साल में इस शहर को क्या दिया। मुजाफात का जो एरिया बना बढ़ा वो डेवलपमेंट के नाम से तरस रहा है, जो पुराना मालेगांव है वो खस्ता हाल हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 25 साल में जो लोगों ने यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो बहुत दूर की बात है, कॉलेज भी बहुत दूर की बात है, कि स्कूल नहीं खोली है। अगर एक स्कूल खोला हो तो हमें बता दें कि हमने ये स्कूल खोला है 25 सालों में। ये शहर का हाल है, हर तब्दीली को वक्त लगता है, मगर अब वो वक्त आ गया है कि लोग अब तब्दीली चाहते हैं, इसीलिए जोग दर जोग वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज के लीडर, आजी और माजी आमदार दोनों भी काम कुछ भी नहीं करेंगे। एक को बाहर जाकर फोटो खिंचाने का शौक है, कहीं कोई मिनिस्टर से मिलना, उसके साथ फोटो खिंचाना और अखबारात में डाल देना। एक का बाबा आदम ही निराला है। मैं कई कहावत सुनते आता था, मगर प्रैक्टिकली वो कहावत या वो मुहावरा अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए सुबान, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना, ये सब अब खुली आंखों से लोग देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम कुछ बोल देंगे, हम यहाँ आकर कोई इस्तकबाल कर लेंगे। एक बुनकर का मुझे फोन आया 8 बजे, बुनकर कहाँ थे बोले आज के प्रोग्राम में। बड़ी ताकत लगा के, बड़ा जोर लगा के अपने अपने लोगों को बोला गया कि लेके आओ, जिस नाम से प्रोग्राम किया गया, जो फोटो अखबार में छापे गए, उसमें से 25% बुनकर नहीं आए। अगर 22 फोटो दे तो मुश्किल से 2-4 बुनकर आए होंगे। तो ये एतमाद बुनकरों का खो दिए, मालेगांव के आम शहरियों का खो दिए। इस्तकबाल करवा लेना, फोटो खिंचा लेना, अब लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं। यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, लोग देख रहे हैं कि असेंबली में कौन बोल रहा है और किस तरह से बोल रहा है। हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं। यहाँ हमारे शहर के यूट्यूब चैनल वाले भी हैं,
मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अगर बाहर असेंबली में रईस शेख साहब अगर कुछ बोल रहे हैं पावर लूम के सवाल पर, तो यहां पर उसकी वीडियो लगा रहे हैं। यही सही में प्रैक्टिकल और सच्ची, जो बोलेंगे हम अखबार पहले था अब मीडिया है, सच्ची मीडिया की रहनुमाई यही है कि जो सच है वो लगा दिया जाए। और लोग हजारों की तादाद में देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज एक हाजी साहब से मिलने गया तो वहाँ कई बुनकर बैठे थे, बोले एड़ा समझी से गया यार ये मौलाना गहुआ आलिन के। तो मैं बोला यार तुमको समझ रहा? अरे बोले यार यूट्यूब पे हम लोग देख रहे कौन बोल रहा कौन कर रहा, एक लफ्ज नहीं बोलते, बोलने का तरीका नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, जो सिर्फ बोलने के नाम पे आज सियासत कर रहे हैं वो असेंबली में क्या बोलते हैं कभी सुन के देखना, दो तीन मिनट बोलने के बाद ये हालत है। और रईस शेख साहब की पावर लूम के सवाल पे बात सुनना, बोलने का मतलब यह है कि लोग सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, किसी के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। मैं सब लोगों का जो यहाँ पर आज लाल टोपी के साथ समाजवादी में आए, मैं एक बात बोलूँगा कि आप इस शहर में कोई भी मालेगांव शहर में वो आगरा रोड की समाजवादी शान हिंद राबता ऑफिस समाजवादी पर आए और लाल टोपी ले जाए, मालेगांव शहर की कोई भी सरकारी दफ्तर जहां पर अगर काम सही नहीं होता आप एक अरीजा दो, वो एफडीओ का दफ्तर हो, तुम्हारा पावर सप्लाई कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, प्रांत हो या दूसरा महकमा हो, अगर वो आपका काम जायज़ काम है और नहीं कर रहा है, आप लाल टोपी पहनकर जाओ और उस ऑफिसर को टेबल से उठाकर बाहर कर दो, बाकी हम सब निपट लेंगे। टोपी हम देंगे हमारी ऑफिस से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लेटर देना पहले तुम्हारा जो काम है, उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं देते हो और काम नहीं करते, आप आओ लाल टोपी पहन के जाओ। मेरी मैं बोल रहा हूँ ये लाल टोपी की ताकत इस शहर में इतनी हो गई है, तुम ये लाल टोपी और निहाली दबदबा ये जो है प्लस प्लस है, निहाली दबदबा और लाल टोपी इसको पहन के जाओ। मैं बोलता हूँ ऑफिसर को कुर्सी से उठाओ और बाहर कर दो अगर वो तुम्हारा काम नहीं करता, बाकी सब हम पर छोड़ दो। इस शहर का हाल ये हो गया है कि आज गरीब आदमी का काम ऑफिस में नहीं होता। इस शहर में एक वक्त था कि जिसको वर्कर बोलते थे, वर्कर इसके आगे कुछ नहीं बोलना पड़ता था, सिर्फ ये बोला जाता था ये निहाल अहमद का वर्कर है, ऑफिस में उसका काम हो जाता था। साहब की नुमाइंदगी के वक्त ये दबदबा और ये असर इस शहर में था। आज ऐसा है कि एमएलए साहब राउंड टेबल कौन कौन से टेबल की मीटिंग ले लेते, तीन तीन चार चार दिन पानी नहीं आता। कौन सी मीटिंग करते क्या समझता मुझे नहीं मालूम। पुलिस वाले को अगर कुछ बोलेंगे, पुलिस वाले ऑफिस में बुला के डांट दे रहे तो असेंबली में उनकी तारीफ कर रहे। ये हाल आज हमारे यहाँ के आमदार का है। यार मुझे नहीं कभी समझ में आता कि हम ईदगाह ग्राउंड से लेके तिरंगा झंडे से लेके कुर्बानी के जानवर तक, आमदार साहब का हाल ऐसा है कि अगर YouTube पे भी पुलिस के खिलाफ एक बात बोल देंगे तो शाम में बुलाना आ जाता उनका और माफ़ी मकबूल हो जाती है ऑफिस में, फिर बोलते हैं अब नहीं बोलेंगे, अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इस तरह की नुमाइंदगी ना शहर का डेवलपमेंट हो रहा है ना शहर का दबदबा बचा है। ऐसे वक्त में मालेगांव की आस अगर मैं कहूं तो वो समाजवादी पार्टी है। आने वाले 9 अगस्त क्रांति दिन के मौके पर अखिलेश यादव साहब, इकरा हसन, अवधेश पासी और उनके साथ कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मालेगांव आ रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसी तरह इस शहर से क्विट आजी और माजी आमदार को करने की एक लहर बनेगी। यही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप समाजवादी का साथ दीजिए पूरी ताकत से, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग समाजवादी में आए हैं उनको जब हमारी ज़रूरत लगेंगे इंशाल्लाह आप उनके साथ खड़े रहेंगे। जिम्मेदारान यहाँ यहाँ मौजूद हमारे सरपरस्त हजरात, पार्टी के जिम्मेदारान और मेरी अजीज़ माएँ बहनें, आप तमाम साथी,
मैं आप तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आज हमको नए साथी मिले। खुशी की बात ये देना चाहिए, वरना कोई लीडर सिर्फ ये चाहता हो कि लोग मेरे जान निसार रहे तो वो लीडर नहीं, वो बलि लेने वाला है, जो वर्करों की और आवाम की बलि लेता है। हर तकलीफ का सामना पहले लीडर ने करना चाहिए, ये नहीं कि जब कोई हम आंदोलन चलाएं, कोई तहरीक चलाए और पुलिस आ गई तो पहले लीडर भाग गए, वर्कर को अपने हालात पे छोड़ दिया जाए, ये लीडर का सेवा नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ जानिसारी करना। अगर कोई वर्कर ये समझता है कि मैं किसी का जानिसार हूँ तो वो याद रख के पहले लीडर को देख ले कि वो उनके लिए कितना जानिसार है। अगर वो अपने वर्कर के लिए जानिसारी नहीं करता तो वो अपने वर्करों की मेहनत का खुलूस की बलि लेता है। और अब जब लोगों ने ये महसूस कर लिया कि हम अपने खुलूस का इस्तेसाल हो रहा है यहाँ पर, तो वो जो लोग मुतहर्रिक हैं, खुलूस अपने दिल में रखते हैं, आवाम के लिए खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, वो लोग एक हॉल के बाहर निकलकर ऐसे लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहाँ पर काम करने का दायरा वसी है, काम करने वालों की इज्जत की जाती है, उनकी मेहनत की कद्र की जाती है और उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ, जैसे मुस्तकीम ने कहा कि आप लाल टोपी पहन के पहले आप एक अर्जी दे दीजिए अगर आपका कोई काम रुक रहा हो, और हमारी टोपी पहन के जाइए। इंशाल्लाह यहाँ वर्कर को बलि का सामान नहीं समझते हम, हमारे ख़ानदान का, हमारी फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं। अगर वर्कर पे कोई आ जाएगी तो सदर से लेके पूरी पार्टी के जिम्मेदारान का ये फ़र्ज होगा कि जिस तरह अपने घर के फर्द को बचाना और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, वैसे ही वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारे लिए अहम है। और ये तमाम चीज़ें हमने साथी निहाल अहमद साहब से सीखा है। निहाल साहब हमेशा कहा करते थे मेरे वर्कर मेरे कान और मेरी आँख है, जो मैं देखता हूँ वो वर्कर मुझे दिखाते हैं, जो मैं सुनता हूँ ये मेरे वर्कर मुझे बोलते हैं। जिस तरह अपनी आँख और कान पे भरोसा करो उसी तरह अपने वर्कर पे भरोसा करो। अगर हमारे कान और आँख में चोट आ जाती तो हमको जितनी तकलीफ़ होती है उतनी ही तकलीफ़ हमारे वर्कर पे ज़र्ब आने पर होनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ अगर कोई शख्स, कोई लीडर दूसरे के कामों को अपना काम करके आवाम के सामने ढिंडोरा पीटता होगा तो उसने कम से कम अकेले में ये महसूस करना चाहिए, तुम मोमिन हो, तुम्हारे दिल में ईमान है, तुमको ये महसूस करना चाहिए कि अगर मैं ये झूठी वाहवाही ले रहा हूँ तो मेरा दिल मुतमईन है क्या? मैं अपने फ़र्ज पर जो मैंने हल्फ लिया है, बाज़ लोगों ने तो मजहबी किताबों को हाथ में लेकर अपनी रुकनियत का हल्फ लिया था, वो याद रखो कि रुकनियत का फ़र्ज तुमने कितना निभाया, और उस मजहबी किताब को, उस कुरान शरीफ को अगर तुमने हाथ में लिया था तो इतनी बड़ी कसम खाने के बाद, इतना बड़ा हल्फ लेने के बाद तुम किस तरह की नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम अकेले में सोचो। अगर ये सोचने पर भी उस लीडर का दिल मुतमईन है तो समझ लो उनका दिल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, उनके अंदर हिस और एहसास ख़त्म हो चुका है। मैंने सुना था लोग बोलते हैं कि मोमिन एक ही सुराख से दो बार डसा नहीं जाता। अब आवाम के ऊपर है कि वो एक चीज़ फैसला कर ले कि जब मालेगांव शहर में फिरका परस्तों की तरफ से कोई हमला होता है, चाहे वो 12 नवंबर का मामला हो, चाहे रमज़ान के महीने में कोई रत निकाला जाए और हमारे यहाँ नमाज में खलल पैदा की जाए, या फिर ईदगाह पे क्रिकेट खेलने से मुस्लिम लोगों को जान पूछ के रोका जाए, उस वक्त कौन सी पार्टी या कौन से लोग रहनुमाई करने आते हैं? या तुम्हारे शहरी मसाइल अगर है तो तुम्हारी पावर का मामला हो, घर पट्टी का मामला हो, या रोज़ाना तुम्हारे कागजात का मामला हो, कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए हमेशा खिदमत के लिए हाजिर होती है? ये आप याद रखो और उन लोगों का साथ दो जो आप लोगों के लिए हमेशा मुखलिस रहते हों। साथी निहाल अहमद साहब मेरे वालिद कहा करते थे कि सियासत में कोई काम करो तो तुम वाहवाही का इंतज़ार मत करो, क्योंकि अगर तुम खुलूस से काम कर रहे हो तो ज़रूर तुम्हारी वाहवाही लोग करेंगे, तुमको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे साथ जो लोग शामिल हुए हैं, मैं समाजवादी पार्टी की शहर की सदर होने के नाते आपसे इस बात का मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके लिए, आपके खुलूस की हमारी पार्टी में कद्र होगी। हम कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, आज ना हम MLA हैं ना कॉरपोरेशन में हमारा इख्तदार है, लेकिन हम हर कोशिश करेंगे जो एक
नुमाइंदे का काम है और वो नाकारा साबित हुआ है, वो तमाम हम हमारी हद से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तुमको कोई ताजमहल हम आज बना देंगे, आज हम ये बात का वादा नहीं करते, लेकिन आपके रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ होती है, मैं यहाँ जब ख़वातीन में गई तो मुझे पता है कि यहाँ इससे पहले भी मैं असम्बली के इलेक्शन में शायद इसी जगह पर मैंने जलसा लिया था, मुफ्ती साहब मीटिंग लिया था मुफ्ती साहब के लिए, उस वक्त भी मैंने कई बातें यहाँ से बोल कर गई थी और इलेक्शन के बाद भी उनको बोला गया था कि पाइपलाइन का ये काम है जो जगह पर लेआउट बिनशेती नहीं है, वहाँ कॉरपोरेशन काम नहीं करती, ये बोल कर के यहाँ पर बिनशेती नहीं है, ये वॉल कंपाउंड बिनशेती का मामला है। लेकिन एमएलए जो है वो काम अपने फंड का कर सकता है, लेकिन उनसे इल्तजा करने के बावजूद भी जो बड़े मसाइल थे यहाँ से लेकर पूरे हाईवे तक पाइपलाइन का मामला जो था कि अगर सड़कों पर पाइपलाइन ला कर पाइपलाइन छोड़ दी जाती तो लोग अपने खुद जाती खर्च से पाइपलाइन पानी का इंतज़ाम हो जाता, लेकिन उसके लिए भी हमारी इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप तमाम लोगों का साथ रहा, ख़ास तौर पे ख़वातीन का, मैंने हमेशा देखा है, मैं सुना करती थी कि जब साथी नयाल अहमद साहब पहले इलेक्शन लड़ा करते थे तो मर्दों की और ख़वातीन की वोट की पेटी अलग अलग होती थी, औरत अलग वोट देती थी और मर्दों की पेटी अलग होती थी। जब मर्दों की पेटी खुलती थी तो लोग बोलते थे यहाँ नयाल साहब को इतनी वोट नहीं मिलेगी, लेकिन जब ख़वातीन की पेटी खुलती थी तो लोग बोलते थे अब नयाल अहमद की पेटी खुल रही है। तो हमेशा मालेगांव शहर की ख़वातीन ने नयाल साहब का साथ दिया है और मैं महसूस कर रही हूँ पूरे हिंदुस्तान में आज जो तब्दीली मोदी सरकार के मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ आई, उस तब्दीली में जिस तरह मुसलमानों का अपना वोट परसेंटेज बढ़ाकर इनको सबक सिखाया है मोदी हुकूमत को, उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो ख़वातीन का है, जो औरतें घंटों लाइन में खड़ी रही अपने घर की मसरूफियत को बालाए ताक रखकर, औरतों ने वोट दिया अपना एक मजहबी फ़र्ज समझ के लोगों ने वोट दिया और मोदी को उसकी हैसियत बता दी। भले ही वो आज इक्तदार में आ गए हो लेकिन बिल्कुल माजूर इक्तदार में है, उनके चेहरे देख के लगता है कि इस पीएम बनने के बाद भी इनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं। तो मैं मालेगांव शहर की ख़वातीन से ये इल्तिजा करती हूँ कि आप जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब का साथ हमेशा से देते आए हैं, उस तरह भरोसा हमारी पार्टी से उनके नुमाइंदों पे, उनकी पार्टी को मानने वाले निहाली सोच रखने वालों पर आप भरोसा कीजिए। इंशाअल्लाह जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने अपना दबदबा मालेगांव शहर में कायम किया था कि कोई भी फिरका परस्त या पुलिस तक, जो आज आप देखते होंगे 11 बजे के बाद पुलिस शहर के इलाकों में जाती है, होटलें बंद कराती है, नयाल साहब जो पार्टी ऑफिस में बैठा करते थे तो लोगों ने शिकायत की कि इस्लामपुरा में 11 बजे पुलिस वाले आकर बदतमीजी से बात करते हैं और हमारी होटलें बंद करते हैं, लोगों पर हाथ उठाते हैं। तो साथी नयाल अहमद साहब ने ऐलान किया था कि रात को 12 बजे साथी नयाल अहमद अंसार होटल पर जाकर चाय पिएगा। आज बता दो किस किस लीडर की ताकत है, और उस दिन के बाद से कोई पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि लोगों के रोज़गार को रोक पाए। ये निहाली दबदबा, ये मालेगांव शहर का दबदबा वापस ले लाने का काम हम लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कर रहे हैं। पहले हम लोग अकेले थे लेकिन आज हमको अबू आसिम आसमी साहब और अखिलेश यादव साहब का साथ है कि हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप लोगों का साथ देने के लिए आज लीडरान मौजूद हैं। आप देखेंगे कि ऐवान में, पार्लियामेंट में जब आवाज़ उठती है, मैंने खुद तकरीर में देखा और उस पर चर्चा भी हुई कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उन्होंने जब तकरीर की 1.5 घंटा तो उनकी तकरीर पर ऑब्जेक्शन बहुत लिया गया, लेकिन जब अखिलेश यादव ने तकरीर की तो उनकी तकरीर पे ऑब्जेक्शन लेने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उनके जुमले इतने जर्रीन होते हैं, बोलने का अंदाज इतना अच्छा हो गया, चाह कर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले पाता। तो इस तरह का लीडर आज हमारे साथ है जो यहाँ से लेके यूपी तक मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आपके वार्ड के जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हम लोग, मैंने भी कहा ख़वातीन को कि आज तो प्रोग्राम है, किसी दिन मैं आकर आप लोगों के मसाइल सुनकर जहाँ तक हमसे हल होगा हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जो नए लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ और उनको इस बात का
मैं यकीन दिलाती हूँ कि हमारी पार्टी में आपके खुलूस की, आपके काम करने के तरीके की हम लोग इज्जत करेंगे और आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसी तरह हमारे होगी जिस तरह एक खानदान के एक फ़र्द की होती है, उसी तरह पार्टी के हर वर्कर को तहफ़ देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया, मेरे अतर चचा ने बहुत मेरे ताल्लुक से कहा, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। जब वो पार्टी में आए तो मुझे इस पार्टी में उनकी शमूलियत के साथ साथ मुझे इस बात का और एहसास हुआ कि मेरे सर पर एक सरपरस्त का हाथ आ गया है। मैं बारह महसूस कर रही हूँ कि वो शफक्कत वाला हाथ हमारे साथ है। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के साथ और दुआओं के साथ हम आने वाले इलेक्शन में एक मजबूत उम्मीदवारी, न सिर्फ उम्मीदवारी बल्कि जीत कर अहवान में जाकर मालेगांव शहर की नुमाइंदगी और वो दबदबा जो साथी निहाल अहमद साहब का हुआ करता था उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।